आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आशु मंजंदा आंटी को। आशु आंटी आए और सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्राना। विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है मंदिर को और हम सबको कि आज हम अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और बहुत लोगों के सुन भी पा रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मेरी वाणी में आप ही विराजमान रहना, मैं जो बोलूं सिर्फ आप बुलवाए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और आई विस जो भी संगत सुन रही है उन सबका बहुत बहुत उनको नमस्ते और स्वागत। हम गुरुजी के चरणों में एंड ऑफ 2005 यहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। हम तब पहुंचे थे गुरुजी के चरणों में और बहुत इंस्टेंट बुलावा था गुरुजी का हमको। हम किसी के घर में काम से गए थे और उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया, जबकि मैं उस फैमिली से हूं जो नॉन बिलीवर्स इन गुरुज, लेकिन गुरुजी का वो इतना जबरदस्त पुल था उस दिन कि मेरे मुंह से निकला कि हमें यहाँ जाना है, मत पूछना कहाँ क्यों, हमें बस जाना है। ये बात मैंने अपने अंकल को बोली और हम लोग 4 बजे ये बात हो रही है, 4 बजे मुझे गुरुजी के बारे में मेरे को मालूम पड़ रहा है और उसके बाद 6 बजे हम लोग ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। और वहां जाने के बाद, गुरुजी के चरणों में पहुंचने के बाद हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी टर्न ही हो गई। 180 डिग्री कहें, 360 डिग्री कहें, पूरा चेंज होता गया। क्या हमारा, क्या मेरे बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ गुरुजी ने ऐसे बांह पकड़ के हमको थामा, क्या हम बोले उसका बखान ही नहीं हम कर सकते। गुरुजी के हमें लगता तो ये है कि फिजिकली हम 2005 एंड ऑफ 2005 में पहुंचे, लेकिन उससे एक्चुअली में गुरुजी ने हमें बहुत पहले ही हमको अपने दर्शन दिए थे, जो हमें बहुत बाद में जाके हमने रियलाइज किया। दैट वाज बात जो है वो 96 की है, 1996 हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे होते होते, तो हम चार, एक मेरी फ्रेंड, वो उनकी चार की फैमिली और एक मेरे हस्बैंड का कजन, हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए। और जो भी केदारनाथ बद्रीनाथ गया है तो उसने देखा है कि कितने स्टीप टर्न्स हैं। अब तो शायद रास्ते थोड़े ठीक हो गए हो, लेकिन उस टाइम पर काफी खराब से रास्ते थे और दिन दिन के वक्त में ट्रैवलिंग पॉसिबल होती थी। उसके बाद जरा सा भी अंधेरा हो जाए तो वो इतने स्टीप टर्न्स और कहां पर क्या टर्न आएगा नहीं मालूम पड़ता। तो जब हम केदारनाथ से वापस शुरू किया, हमने स्टार्ट करी जर्नी, तो रास्ते रास्ते में ही हमारे को अंधेरा होना शुरू हो गया। जहां अंधेरा होना शुरू हुआ हम लोगों की जान सूखनी शुरू हो गई, क्योंकि कोई सिटी, कोई भी ऐसे रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं आ रही थी कि जहां पर रुका जा सके। मतलब रुका क्या, कोई भी ऐसा कोई गांव, कोई पड़ाव, कुछ भी नहीं आ रहा था। और पहाड़ों पे आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई भी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है या नीचे उतर रही है, ऐसा आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन हमें कोई भी गाड़ी, ना तो कोई ऊपर चढ़ती दिखाई दी, ना कोई नीचे चढ़ती हुई नीचे उतरती हुई दिखाई दी। सिर्फ हम बिल्कुल अकेले थे और बच्चों को भी समझ में आ गया था कि बहुत रिस्की मामला है। वो भी सब अपनी अपनी जो शरारतें हैं वो सब छोड़ के एकदम चुपचाप से हो गए थे और हम सब बड़े फिंगर क्रॉस्ड और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ये मन में हमारा जाप चल रहा था और हमारे हाथ पर कांपते जा रहे थे, क्योंकि अलकनंदा नीचे इतनी स्टीप और इतनी तेजी से बह रही थी कि अगर हमें लगता था कि अगर आज कुछ भी हो गया तो हमारे घर वालों को हमारी बॉडीज भी नहीं मिलेंगी। उस वक्त अचानक से एक फुल फ्लेश्ड बड़ी बस हमारे आगे अपीयर हुई और हमें, जैसे होता है ना, जान में जान आई। उसकी बैक, उसकी रोशनी में हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन वो बस इतनी तेजी से टर्न्स ले रही थी कि जैसे उसको सब कुछ पता हो। इतने अंधेरे में कोई भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ड्राइवर भी हो, वो भी इतने
शार्प टर्न्स और इतने तेजी से पहाड़ों पे वो नहीं ले सकता कि पता ही नहीं चलता जहां पर कोई भी टर्न आ रहा है, तो वो कैसे ले रहा था। और उसके बाद में रुद्रप्रयाग आया और रुद्रप्रयाग में वो जब बिल्कुल फ्लैट रोड आ गई तो वो बस रुकी और इमेजिन उस बस में एक भी पैसेंजर नहीं था। जब हमने कोई बस ना ऊपर चढ़ते देखी ना नीचे उतरते देखी, किसी भी टर्न पे हमें नहीं देखी, तो वो कहां से अपीयर हुई। और उस बस में से एक हाथ निकलता है और हमें इशारा करता है आगे जाने को। अब ये इतनी बड़ी कृपा थी कि हमारी वो नौ जाने उस वक्त गुरुजी ने बचाई थी। उसके बाद फिजिकली हम 2005 एंड ऑफ 2005 उस टाइम हम पहुंचे और इतना सुंदर, इतनी मनमोहनी शक्ल, इतना नुरानी चेहरा, जो हम देख के हम निहाल हो गए गुरुजी को और देखते के देखते ही रह गए। और ऐसी खुशबू आती थी एम्पायर स्टेट के गेट पर से ही, इतना मैग्नेटिक पुल होता था कि हम इतना ऐसे होता था बस पांव भाग के पहुंच जाए गुरुजी के पास। और उसके बाद जब हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के चरण छूते थे तो उसके बाद ऐसे हाथों से खुशबू से भर जाते थे कि मेरे हाथ मेरे फेस के ऊपर से उतरते नहीं थे। और बस मेरे को ये होता था कि बस मैं हटाऊ ना और वो महकती रहूं मैं उस खुशबू के साथ में। घर आने तक वो खुशबू पूरे साथ, जैसे गुरुजी बिल्कुल साथ तक आ रहे। क्या बखान करें हम उस वक्त का। और एक्चुअली में गुरुजी कब किस रूप में हमारे साथ में, मेरे पास साथ पहले भी थे, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि तब हम कृष्णा को माना करते थे, कृष्ण जी को। और मेरे पापा भी कृष्ण फॉलोअर थे, गीता को बहुत ज्यादा मानते थे, इसीलिए वो बोलते थे कि कर्म सबसे बड़े, जो गुरुजी की एबीसी है बिल्कुल मेरे पापा उसी को मानते थे और उसी को ही वो डेडली फॉलो करते थे। और मेरा भी यही होता था कि मेरा जो स्टडी टेबल था वो मैं हमारे पूजा जो मंदिर बना हुआ था उसके सामने था, और वो उस कृष्ण की मूर्ति को देखकर मैं उनसे ऐसी बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बातें किया करती थी और वो मुझसे रिस्पॉन्ड किया करती थी, कृष्ण की मूर्ति। और मुझे एग्जाम जाने से पहले मेरे को मालूम होता था कि आज मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। ये जब मैं रिकॉल करती हूँ ये सारी चीजें, ये तभी भी थी लेकिन टाइम के साथ साथ भूल जाती है। और हमें फिर ये होता है कि गुरुजी ये सारी चीजें याद कराते हैं कि वो किस फॉर्म में कब कब हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो बस हम क्या बखान करें, तो गुरुजी की कृपाओं का तो बखान करना ही बहुत मुश्किल है। जो हम गुरुजी के सामने बातें करते हैं, मतलब जो मन में सोचते हैं, हमारी उन सब बातों को गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हम रास्ते में गुरुजी के पास जाते हुए भी बातें करते हैं या जो घर में भी बात करते हैं ना, वो गुरुजी को सब पता होता है। इसका मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि 2 सितंबर 2006 उस दिन बहुत बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी और काफी पूरा दिन बारिश होती रही। सैटरडे का दिन था तो हमने कहा कि ये हमारी बाल बुद्धि थी कि हमने सोचा कि आज तो ना बहुत कम संगत आएगी तो गुरुजी के पास बहुत सी बातें करने का ना मौका मिल जाएगा, उनके साथ में बहुत क्लोज से बैठने का आज मौका मिल जाएगा, तो आज गुरुजी के पास चलते हैं क्योंकि इतनी बारिश है तो बहुत कम संगत शायद आएगी। आईआईटी गेट तक तो हम लोग बड़े आराम से पहुंच गए, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आईआईटी के बाद हमारी जो कार थी वो ऐसी चल रही थी जैसे रेंग रही हो, पूरे स्नेल स्पीड से। आईआईटी से एम्पायर स्टेट पहुंचने में हमको 4 घंटे लगे। 11 बजे जाकर हम एम्पायर स्टेट पहुंचे और रास्ते में अंकल बोलते हैं कि आज तो अब तो शब्द भी बंद हो गए होंगे, अब चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा। और जब वो टाइम भी निकल गया, अरे अब तो ना इतनी जोर से भूख लगी है लंगर प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम आपस में बात कर रहे थे तो मैंने कहा बस आज हम ना सिर्फ तृप्त होके आएंगे गुरुजी के दर्शन करके, बस आज वही हो जाएंगे तो वही बहुत है। तो तब अंकल ने बोला नहीं यार, जाए तो कम से कम 2 शब्द तो सुनने को मिले तो तब अच्छा लगता है गुरुजी के दर्शनों के साथ में। और जब हम वहां पर पहुंचे तो
तो गुरुजी ने पूरे दो शब्द सुनवाए, चाय प्रसाद भी पिलवाया, लंगर प्रसाद भी खिलाया और काफी देर तक बिठाया, बहुत लेट से हमें उस दिन आज्ञा मिली। तो ये है कि जो हम रास्ते में बात करते हैं वो भी गुरुजी जानते हैं। एक बार मैं गुरुजी को याद करके बहुत 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 ज्यादा रोती जा रही थी, कि बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई पागल हो जाता है किसी के प्यार में, वैसे ही मैं गुरुजी के इश्क में गिरफ्तार पागलों की तरह रोती जा रही थी। और गुरुजी जब मैं पहुंची तो गुरुजी ने उस चीज को एक्नॉलेज करा, मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। और क्या बोलूं, इतना जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं जो हम फिजिकल फॉर्म में नहीं गुरुजी पूरी कर पाते, वो हमारी आके वो ड्रीम में पूरी करते हैं। वो चाहे कैसी भी इच्छा हो हमारी, गुरुजी के चरण दबाने की या किसी भी जो भी इच्छा होती है वो हमारी गुरुजी उसमें पूरी करते हैं। उसके बाद में वक्त आया, बहुत क्रूशल वाला टाइम, जब गुरुजी ने अपना चोला बदला। उससे पहले 29 मई की बात है, शाम की बात है, गुरुजी की कृपा से मैं शिव पुराण काफी टाइम पहले से ही पढ़ती आ रही थी। तो उस टाइम भी मैं शिव पुराण पढ़ रही थी और जो मेरा उस वक्त मंदिर था वो एक कबट बनी हुई थी जिसमें दो खाने थे और ऊपर वाली शेल्फ पे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी शिवजी की मूर्ति थी, जो एक चीनी मिट्टी की जैसे बनी हुई होती है और उनमें उनको एक हार पहनाया हुआ था। बाकी मेरा सारा मंदिर नीचे था और उसमें एक शिव परिवार भी था। अचानक से जब मैं उसके मंदिर के सामने शिव वो पढ़ रही थी तो मुझे कुछ खिसकने की आवाज आई। और अभी मैं वो चीज एक्नॉलेज हुआ था कि मेरा होता कि एक सेंटेंस में पूरा कर लूं तो देखूं क्या खिसका, दोबारा से खिसकने की आवाज आई और देखा वो शिव मूर्ति नीचे। ये 29 मई शाम की बात है, 7:30 का वक्त, और उस शिव मूर्ति में से माला निकल के जो मेरे नीचे वाले शेल्फ के बीच में शिव परिवार पड़ा था उसके ऊपर जाके वो माला। अगर आप साइंटिफिकली कोई भी सोचे तो दैट वाज इम्पॉसिबल चीज, कि कोई भी चीज अगर ऊपर से पहले तो उसका खिसकने का कोई रीजन ही नहीं था, और उसके बाद अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो पूरी की पूरी नीचे गिरेगी। उसमें से सिर्फ माला निकल के शिव परिवार पर जाना बहुत इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन ये हुआ। और जो शिव मूर्ति गिरी वो पूरे चेस्ट तक इंटैक्ट, उसके नीचे वाली पूरी मूर्ति खंडित, और उसके जो अंश थे वो मेरे पूरे घर के एक एक कोने में, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज थी। इवन मेरे बालकनी तक उसके अंश आए। अब देख के मन कांप गया कि ये आउट ऑफ ब्लूज ये शिव मूर्ति क्यों गिरी, कैसे गिरी। तब सिर्फ मैं और मेरा बेटा था, बड़ा वाला बेटा घर पर था, तो मैंने उसको ये बोला, अंकित ये कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये क्या इंडिकेशन है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बात है। और पता नहीं क्यों मुझे, जैसे बोलते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि खंडित मूर्ति को रखते नहीं है, लेकिन मेरा उस मूर्ति को प्रवाह करने का मन नहीं किया। मैंने उसका एक एक अंश उठाया, एक पॉलिथिन में उसको किया और एक स्टील के डब्बे में मैंने वो मूर्ति रख दी। उसके बाद जब 31 मई को जो खबर मिली, जिस पर हम कभी भी विश्वास नहीं करना चाहते थे, वो दुखदायी खबर मिली, तभी भी वो चीज मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। हफ्ते 10 दिन के बाद जाके मैंने रिकॉल किया कि वो गुरुजी ने उस दिन मुझे मैसेज दे दिया था कि मैं शिव हां और रवांगा, क्योंकि पूरी चेस्ट तक वो इंटैक्ट थे, सिर्फ वो नीचे की बाजू और पाव वही खंडित हुए थे, नीचे जो शेर का खाल का मुंह होता है वो भी इंटैक्ट, वो सारा कुछ कि मैं शिव हूं, वो इमॉर्टल है, वो है और वो रहेंगे। ये मैसेज वो था जो मुझे बहुत हफ्ते 10 दिन के बाद समझ में आया। और जब गुरुजी ने लीला करी तो मेरा जो रोना था वो बंद नहीं हो पा रहा था। मैं
कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वो मूवमेंट्स। उसके बाद सॉरी संगत जी, गुरुजी ने मुझे हौसला देने के लिए दर्शन दिए जीव में दो दिन बाद और मेरे को बोला मंग की मंगनी है, तो मैंने यही बोला गुरुजी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। गुरुजी ने यही बोला एक की मंग लेता और उसके बाद he disappeared, उसके बाद कुछ नहीं। खैर ये सहन करने का हौसला भी गुरुजी ने ही दिया। धीरे 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 क्या बोले हम, आज भी उनको बहुत फिजिकल फॉर्म में बहुत याद करते हैं, लेकिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे मन में वो ठहरा हुआ था गया। गुरुजी ने मेरे बच्चों की लाइफ, जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे तो अंकल का बिजनेस उन्होंने अपना चेंज किया और वो बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन रहा। उसके बाद में हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, उसमें लॉसेस लॉसेस और लॉसेस होते गए। तो जब हम गए गुरुजी के पास पहुंचे थे तो उस टाइम हम लोग काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे थे और बच्चे उस टाइम मेरे सेटलिंग स्टेज पर आ गए थे कि जब बच्चों का लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो जानी चाहिए, मतलब ट्वेल्थ के बाद। और मेरा जो छोटा बेटा है वो पायलट बनना चाहता था और हम यही सोचते थे कि बेटा तेरा ड्रीम हम कैसे पूरा करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे सिर पर है, तू देखता है बेटा। लेकिन उसका अटल विश्वास गुरुजी के ऊपर कि मम्मी गुरुजी बनाएंगे, गुरुजी भेजेंगे। और वही एक्चुअली में हुआ कि गुरुजी ने ही उसको पायलट बनने के लिए भेजा। अपने फिजिकल फॉर्म में रहते ही उसको गुरुजी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब पूरा हमने बताया कि एडमिशन भी और जो भी वो सारे प्रोसेस हुए वो गुरुजी की कृपा से ही हुए। गुरुजी ने ही एक अंकल को बोला था कि आपने इसको पायलट बनाना है और मुझे ये विजन में दिखाया था कि इसको फड़ैनु पायलट बना दे। और जिस अंकल को मैंने विजन में देखा था उस अंकल को गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में ये बात बोली थी कि गुरुजी ने मुझे ये बोला था और उन्होंने ही गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये कनाडा जा रहा है पायलट बनने के लिए और गुरुजी ने ग्रीन बिल्कुल अपना आईब्रो लिफ्ट करके ओके किया था। हालांकि वो प्रोसेस पूरा होते होते लिंगर ऑन हुआ तो जो मुझे यही समझ में आता है कि शायद वो पीरियड जैसे पायलट आंटी को 10 साल गुरुजी ने ग्राउंडेड रखा था, ऐसे ही मुझे ये लगा कि शायद इसका वो पीरियड सही नहीं था पायलट बनने के लिए, इसीलिए इसका जो वो लिंगर ऑन हुआ जो इसकी स्टडी पीरियड था किसी भी वजह से। लेकिन एट द एंड गुरुजी ने इसको बहुत हेल्प करी। ये मैं अपने पिछले सारे सत्संग में मैं पूरे डिटेल में बता चुकी हूँ लेकिन आज इसको शॉर्ट में करके बता रही हूँ। और बड़े बेटे को उसको भी यही था कि मेरे को MBA करना है तो USA करना है, तो मैं वही हंसती थी कि मेरे दोनों बच्चे गजब है कि पापा की पोजीशन ऐसी है फाइनेंशियल, लेकिन उनका विश्वास ऐसा है कि गुरुजी के ऊपर कि वो करेंगे। और एक्चुअली में यही हुआ जब उसके लिए उसने मुझे यही बोला कि मम्मा मेरे वीजा के लिए वो कर दो, तो मैंने कहा बेटा 1-to-1 कनेक्शन, अपना कनेक्शन तुम्हारा खुद का है, तुम गुरुजी से अरदास करो। कहता नहीं आप ही करो। और मैंने तब यही किया था कि गुरुजी को अरदास कि गुरुजी अच्छा है तो इसके लिए करना और गुरुजी कंडीशंस अप्लाई, फीस आपको भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको पता है। और सही में गुरुजी ने कहां से फीस का इंतजाम किया आज भी हम पलट के देखें तो हम रिकॉल नहीं कर सकते कहां से हमने ये सब करा, ना ऋषभ का
बड़े ना छोटे बेटे का जो पायलट बना और ना जो बड़ा उसका, कहीं से भी हम नहीं ये रिकॉल कर सकते कि कैसे इंतजाम करवाया गुरुजी ने। तो गुरुजी की कृपाएं अनंत है, कहां से रास्ते खोलते हैं, कहां से वो करवाते हैं हमें नहीं मालूम, तो उनकी लीला वही जाने। बस हमारा तो उन्होंने जिंदगी पलट दी। हाँ, जब मेरा छोटा बेटा 2007 में कनाडा पहुंचा तो उसने, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि गुरुजी स्टोन्स पहनने को मना करते, तो मैंने जैसे वो होता है मैंने बोल दिया था कि पुखराज पहनाया हुआ था जैसे पंडित ने बोला था किसी, तो उसको गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और उसको कुछ गुस्सा किया और कुछ रिंग के बारे में बोला, तो उसने मुझे सुबह फोन किया कि मम्मा गुरुजी ड्रीम में आए थे और मुझे कुछ गुस्सा कर रहे थे और रिंग का कुछ बोल रहे थे, लेकिन ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया और आज आप गुरुजी के पास जाओगे तो पूछ कर आना। कहा अच्छा। थर्सडे का दिन था, थर्सडे हम वहां पर मैं मंदिर पहुंची और माथा टेक के मैं फ्रंट रो में बैठी और उस टाइम मैंने भी अपने राइट हैंड के लिटिल फिंगर में मोती पहना हुआ था और मेरे लेफ्ट टू लेफ्ट मंजूपाल आंटी बैठी हुई थी वहां पर। उस टाइम मैंने बैठ के अरदास करी गुरुजी को, गुरुजी ऋषभ क्लियर नहीं है कि रिंग के बारे में क्या करना है, और मतलब थोड़ा सा मैंने उस टाइम इंग्लिश में बोला था कि गुरुजी ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज गिव हिम क्लियर मैसेज व्हाट टू डू अबाउट द रिंग। तो अभी ये अरदास किए हुए मेरे को हार्डली 20 seconds हुए होंगे, चलते शब्द दरबार के अंदर कोई किसी से बात नहीं करता और स्पेशली पुरानी संगत, लेकिन गुरुजी ने वो मुझे, वो मंजूपाल आंटी ने वो आंटी को क्रॉस करके मेरा हाथ पकड़ा और जोर से ड्रैग किया और कहा आपके पाइया अंगूठियां ला एनू, तेनू ने पता गुरुजी ने बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो जवाब सुन के कि अभी मैंने 20 सेकंड भी नहीं हुए थे ये अरदास करे हुए कि गुरुजी ने उसका जवाब कैसे दिलवाया, मैं तो निहाल हो गई और मैं रोती चली गई कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आए और आप उसका कैसे जवाब देते हो। तो थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने उसी वक्त अपना भी रिंग उतारी और बेटे को भी फोन करा कि बेटा इमीजिएटली उतार दे। हाँ, एक सत्संग जब मेरा बेटा कनाडा जा रहा था छोटा, तो उसका सिक्योरिटी सेक्शन पे एक बहुत बड़ा मिरेकल गुरुजी के द्वारा हुआ। ये था कि उसने अपने जो वेस्ट पाउच पहना हुआ था जो भी डॉलर्स थे उसके उसमें थे, मैक्सिमम उसमें थे, बाकी कुछ थोड़े से और जगह डिस्ट्रीब्यूट करके उसने रखे हुए थे, और जब सिक्योरिटी चेक के लिए उसने अपना वेस्ट पाउच उतारा तो वो वहीं भूल गया। 18 साल का बच्चा, और उसके बाद में इतना एक्साइटेड वो जाने के लिए, वहां पर जब प्लेन में जाके बैठ गया और सीट बेल्ट लगाने लगा तो तब उसने रियलाइज किया कि अरे वेस्ट पाउच तो मैं वहीं पर ही भूल गया, मेरे तो सारे डॉलर्स उसी में हैं। तो अब ये स्ट्राइक किया कि अगर मैंने ये बोला, ये कोई भी बुद्धि देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी, सिर्फ उन्हीं की कृपा थी कि उसने ये बोला पायलट को कि मैं तो अपना वीजा और पासपोर्ट मैं तो सिक्योरिटी चेक पे छोड़ आया हूं, अगर आप मुझे ले गए कनाडा तो भी वो मुझे डिबोर्ट कर देंगे, दोबारा से वापस भेज कर कर देंगे, तो इसीलिए या तो मेरे को लेके आने दो या मुझे अभी यहीं उतार दो, मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है। तो पायलट ने बोला अच्छा ठीक है, तुम भाग के जाओ, दौड़ के आओ, मतलब पायलट ने थ्रू एयर होस्टेस के बात करी कि फटाफट जाके भाग कर लेकर आओ। तो 17-18 साल का बच्चा वो प्लेन से उतरा, भागता हुआ जा रहा है और पीछे पीछे पूरा फिल्मी सीन हो गया था, सिक्योरिटी उसके भाग रही है कि तब क्योंकि टेररिज्म बहुत था सबको यही लग रहा था, और वहां पर गया गुरुजी की कृपा से इसको पूरे इसका वेस्ट पाउच पूरे इंटैक्ट डॉलर्स पूरे मिले जो इसने आके फिर वो करे। तो ये गुरुजी का ही बहुत बहुत शुक्राना है। और
मैं घर में जहां पर भी गुरुजी के स्वरूप लगे होते हैं तो क्या होता है कि बैठे बैठे गुरुजी से ना मैं बातें करती रहती थी, तो बात करते हुए तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोला करती थी कि अभी गुरुजी ने ये किया, अभी गुरुजी ने वो किया, तो वो उनको ये लगता था कि ये मेरे को ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं करते। तो एक दिन वो दूसरे रूम में जो स्वरूप लगा हुआ था वहां पर जाके वो खुद गुरुजी से बातें कर रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे कि गुरुजी ये आप कुछ नहीं करते ना, ये पागल बना दिया ना मेरे को। तो गुरुजी ने अपनी आईब्रो लिफ्ट करी तो ये एकदम से हिल गए कि, और एकदम से बोला गुरुजी ये तुसी कीता। तो गुरुजी ने दोबारा से अपनी आईब्रो लिफ्ट करी और कहा हाँ। तो फिर आए थोड़ी देर बाद में मुझे बोलते हैं कि आशु जो तुम बोलती हो ना कि गुरुजी ने अभी ये किया या गुरुजी ने अभी वो किया, तो तुम बिल्कुल ठीक बोलती हो। तो मैं हैरान कि ऐसा क्यों। तो तब उन्होंने बहुत दिन बाद जाके मुझे बताया कि हाँ ऐसा मेरे साथ में भी हुआ। तो ये है कि जो गुरुजी के बोले वचन है वो कैसे व्यर्थ हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल पत्थर पर लिखी खिंची लकीर है कि बोलते हैं ना गुरुजी की फोटो नाल गल्ला करो तो जवाब आनगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका कई बार हमने दरबार में बैठे हुए भी इस चीज का महसूस किया कि हम वहां पर बैठे हुए थे, मैं साथ में मीनू आंटी, तो हम इकट्ठे बैठे हुए और हम जैसे होता है कि हम सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को ही निहार रहे हैं, उन्हीं को निहार रहे, और हम दोनों के मुंह से इकट्ठे निकला कि गुरुजी सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो बेली पोर्शन था दैट वाज मूविंग अप एंड डाउन। तो हैरान, और हमें गुरुजी के जैसे चलने का एहसास भी, वो कारपेट पे भी कई बार हुआ कि गुरुजी ऐसे लगा है कि अभी चल कर गए हैं हमारे पास से। तो ये बहुत बहुत ऐसे एक सुखद एक्सपीरियंस है, बहुत ऐसी कृपाएं हैं गुरुजी की जो हम सिर्फ फील कर पाते हैं। कैसे कैसे इसका बयान करें। जो सत्संग है मेरा वैलेंटाइन्स डे का है, वो वैलेंटाइन डे संडे को पड़ा और गुरुजी की कृपा से सेवा तो हमारी, और मैं जब वहां पर उस टाइम इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी, दरबार सुबह के वक्त में भी खुला रहता था, तो वहां पर मैं मंदिर में दरबार में गई, मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी और कोई भी नहीं, यू आर माय वैलेंटाइन, तो आई लव यू गुरुजी वेरी मच, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, लेकिन आज मैं थोड़ा नॉटी हो रही हूँ, मुझे भी प्रूफ चाहिए कि आप भी मुझे प्यार करते हो। बहुत बचपना करते हैं हम ये सब बातें गुरुजी को ऐसे बातों में डालकर, लेकिन पता नहीं अब ये जैसे भी हुआ। तो मैंने कहा मेरे को गुरुजी आज प्रूफ चाहिए, तो ये सब अरदास करके मैं आ गई और उसके बाद में हम अपनी सेवा में मस्त हो गए। रात को मुझे सिंगला आंटी ने एक गोभी का फूल दिया, तब क्या होता था कि अगर कुछ भी सब्जी प्रसाद बचा है तो वो संगत में बांट दिया करते थे, तो सिंगला आंटी ने वो दिया, तो वो जैसे ही फूल मेरे हाथ में आया तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा अच्छा गुरुजी दिस इज माई वैलेंटाइन गिफ्ट, कि फूल ना सही गोभी का फूल सही। तो मैं हंसी और उस दिन मेरे को वो चटाई प्रसाद भी फिर बाद में सिंगला आंटी ने और दिया, मैंने कहा अरे वाह जिस पर इतना डिवाइन लंगर सब लोग करते हैं वो चटाई प्रसाद मुझे मिला, तो मैं निहाल हो गई, चलो थैंक यू गुरुजी कि मुझे कुछ मिला। और तब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं हुआ करती थी, लोग अपने बर्थडे पर केक वगैरह लेकर आ जाया करते थे और काट लेते थे आराम से। तो जब 12 बजने में 15-20 मिनट बाकी थे तो हम जा ही रहे थे, तो मेरे को तूर आंटी ने आवाज लगाई जब हम गणेश जी के पास थे, गणेश, तो उन्होंने बोला आशु आंटी अभी रुक जाओ, अभी केक काटेंगे, केक खा के जाना। तो मैं मन में मुस्कुराई कि अरे वाह केक पेस्ट्री, ये तो वैलेंटाइन का बहुत बड़ी बात में होती है ना, तो गुरुजी आप केक भी खिला रहे हो, ये सारी बातें मेरी मन में हो रही है गुरुजी से। खैर वो केक खाया, 12 बजने में 10 मिनट मैं बाहर आई और अंकल जब तक गाड़ी पार्किंग से लेने गए, मैं वहीं गेट के बाहर खड़ी हुई थी, तो एक अंकल गाड़ी में बैठे बैठे मुझे बुलाया आंटी इधर आओ। मैं
मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैं लेकिन गई उनके पास, मैंने कहा हाँ जी अंकल, कहते ये लो, और उन्होंने एक बहुत रोल किया हुआ एक पेपर मेरे तरफ बढ़ा दिया, और मैंने देखा उसको खोल के उसी वक्त देखा, और मैं इतनी खुशी से जंप करी, मैं बिलीव नहीं कर सकती थी, क्योंकि येलो चोले वाला स्वरूप मुझे बहुत पसंद था गुरुजी का, और वो बड़ा हुआ पोस्टर गुरुजी का स्वरूप येलो चोले वाला, ये तो गुरुजी को मालूम है ना कि मेरे को येलो चोले वाला उनका स्वरूप बहुत भाता था, तो वो वाला मुझे मिला, तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मतलब इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था कि जो मैंने आपका ये स्वरूप पाया। आते ही मैं अगले दिन गई, शॉप पर गई और उसको फ्रेम करने के लिए देने के लिए, तो वो दुकानदार कहता है मैडम ये दोनों फ्रेम करने हैं? मैंने कहा दोनों? तो कह रहे हाँ, कहते ये तो दो है ना, मुझे मालूम ही नहीं था कि एक के नीचे एक और था। तो मैंने कहा वाह गुरु जी डबल डबल गिफ्ट, मैं तो खुशी से निहाल हो गई। और उसके बाद में मैंने, क्योंकि जो ऋषभ मेरा बेटा कनाडा में, वो हमेशा ये बोलता था कि मम्मा यहाँ पर ना बहुत छोटा स्वरूप लगाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, गुरुजी का स्वरूप सत्संग में बड़ा होना चाहिए। तो वो मैंने उसको रोल करके मैंने वहां पर उसको कनाडा भिजवाया कि ले बेटा अब ये बड़ा स्वरूप हर सत्संग में लेकर जाओ, ये तुम्हारी सेवा है, इसको फ्रेम करा के। और वो उसने अपनी सेवा बहुत अच्छे बहुत प्यार से करी वहां पर उसने। उसके बाद में ऐसा है कि 31 दिसंबर का सत्संग है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं उस दिन सैटरडे था और मैं कुंदन का एक बड़ा सा इयररिंग पहना हुआ थे मैंने, और क्योंकि सर्दी आपको मालूम है और मंदिर में तो कुछ ज्यादा ही लगती है, तो मेरा जो स्वेटर था वो भी थोड़ा सा मतलब पूरा हाई नेक तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा वैसा ऊपर तक था। तो उसके बाद में कब वो मेरा इयररिंग निकल के गिर गया मैंने रियलाइज नहीं किया। उसके बाद जब मैं लंगर के लिए पहुंची, आरती हो गई, लंगर के लिए पहुंची, तो दुआ आंटी वहां लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में थी और उन्होंने मुझे बोला ये कोई नया फैशन है, एक कान में इयररिंग और एक कान में नहीं। तो मैंने उसी टाइम हाथ लगाया और मैं धक से रह गई, और मैंने वापस आई देखते देखते, और ये विश्वास था कि संगत को मिलेगा तो वो जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि ऐसे में बहुत दूसरी तरीके की संगत भी आती है, गांव की भी आती है, तो मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं ढूंढती ढूंढती आई, मैंने म्यूजिक रूम में, दरबार में, सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं मिला मुझे। और उसके बाद मैं ऑफिस में बोलकर आई कि ऐसा अगर इयररिंग मिलेगा तो आप रख लीजिएगा, वो मेरा है। संडे मॉर्निंग में जब मैं आई और मैंने किचन में एंटर किया, तो वो किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इयररिंग, इमेजिन, गुरुजी को पता है कि मेरी कुड़ी ने सवेरे अत्तर ही आना है, गुरुजी ने वो इयररिंग वहां पर रखवा दिया। क्या मुझे नहीं मालूम कि वहां पर ना मैं किचन में गई ना कुछ, बताओ उसकी प्लेटफॉर्म पे रखने का कोई मतलब ही नहीं था। और ये किससे मिलता जुलता इयररिंग, ऐसा सत्संग मेरे इयररिंग का, ये अभी हाल फिलहाल का ही, लास्ट ईयर का ही है कि गुरुजी टेलीपैथिकली मुझे बोलते थे कि तेरा कंधी गिरेगा, कंधा तेरी बाली गिरेगी। तो मेरा, मैं जहां भी जाती थी तो मेरा ना हाथ बार बार कानों पे जाता था कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो ये तो पक्का है, होगा ही होगा। और एक दिन वही हुआ, मैंने उस दिन हेयर वॉश लिया, नहा के मैं जब अपना पाठ कर रही थी तो कानों को हाथ लगा और मैंने देखा मेरी बाली नहीं है, तो जी मेरा धक से रह गया और मैंने कहा कि ओह जो गुरुजी ने बोला था हो गया। तो तभी गुरुजी ने मुझे बोला आराम नाल पाठ कर ले, किथे नहीं गया, पहले पाठ आराम नाल पूरा कर ले। जी गुरुजी, मैंने पाठ पूरा किया, उसके बाद में मैं एकदम से उठी तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने वॉशरूम देखा नहीं मिला, टाल देख लिया अपना नहीं मिला मुझे उसमें, तो कहते क्या हुआ,
तो मैंने कहा गुरुजी इतने दिन से बोल रहे थे ना कि मेरे कान का गिरेगा गिरेगा, मैंने कहा वो गिर गया आज। तो इतने में फिर गुरुजी ने मुझे बोला ओ किथे नहीं तेरे को लिया है देख चंगी तरह। तो जब मैंने अपना देखा तो इमेजिन उसी जब मैंने निकाला तो मेरे हस्बैंड सामने थे, वो बाली बंद लॉक लगा हुआ। तो अगर कुछ करना है गुरुजी ने वो करवा भी देते हैं और हमारा नुकसान भी नहीं होने देते। बलबल जाइए ऐसे गुरु पे कुर्बान जाइए कि क्या क्या नहीं कर देते हमारे लिए। तो बहुत ही आपके चरणों में तो बहुत 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 प्रणाम है गुरुजी। और एक उषा आंटी ने सत्संग किया था कि जिसमें उन्होंने बोला था कि जब वो गुरुजी एक बार बात बोल देते हैं तो वो बात हमेशा के लिए हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। ये 2011 की बात है, जनवरी में एक अच्छा खासा बड़ा सा सत्संग हुआ था घर पर 21 जनवरी को। और उसके बाद में मैं फेब के फर्स्ट सेकेंड वीक में 8-9 तारीख ऐसी ही होगी 10 तारीख होगी तो जो भी मंडे था तब मैं मंदिर गई। वहां पर जब मैं बैठी हुई थी दरबार में तो ध्यान लग गया मेरा, तो तब गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे आदेश दिया कि सत्संग करा जल्दी करा ला जी गुरुजी। उसके बाद में गुरुजी ने मुझे डेट भी दे दी 7 मार्च नु करा ला। और फिर मुझे गुरुजी ने पूरा लंगर भी बताया कि ये लंगर में ये बनाना है। मैं कहा जी गुरुजी। उसके बाद में ये भी बोला कि लेकिन तू सेवा वंडनी नहीं है, सारी सेवा तू खुद करनी है। जी गुरुजी। तो उसके बाद पूरा मेन्यू बता के, और मेरा तो आंखें बंद मेरा तो ध्यान लगा हुआ, तो ये भी बोला कि दुआ अंकल और तूर अंकल तूर आंटी दरबार च बैठे उन्होंने हूने ही कह दे। मैं कहा जी गुरुजी। उसके बाद जब मैंने आंखें खुली तो एग्जैक्टली दुआ अंकल और तूर आंटी बैठे हुए थे। मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का हुक्म है, ये डेट दी है, आपने आना है। तो और जब गुरु जी का हुक्म होता है और जिनको भेजना होता है तो वो गुरु जी जरूर भेजते हैं। वो लोग भी आए और बहुत सुंदर सत्संग हुआ। तो जैसे गुरु जी का हुक्म था कि सारी सेवा खुद करनी है, तो उसके बाद से वो हमेशा के लिए हो गया कि गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि उसके बाद से कोशिश यही होती है कि हाँ चपाती प्रसाद शायद अकेले करना होता है तो वो नहीं बन पाता, लेकिन लंगर प्रसाद गुरु जी की कृपा से गुरुजी ही बनवाते हैं, मैं कौन। तो और एक बार ऐसे ही सत्संग का एक और सत्संग है कि पायलट आंटी आई थी उस दिन हमारे यहाँ सत्संग में। तो क्या हुआ था कि वो थोड़ा लेट आई और भोग लग चुका था। और उसके बाद में जब मैं भोग लगाने जा रही थी तो गुरुजी के जो पराठे थे वो फॉइल में लिपटे हुए थे। और मैं पहले खोलने लगी तो मैंने कहा गुरुजी के लिए क्या मुश्किल है, गुरुजी खुद ही खोल लेंगे, तो मैंने खोल के ठंडे क्यों करने, भोग लगाया और वो कर दिया। उसके बाद में जब वो भोग लग रहा था तब पायलट आंटी आई है, और थोड़ी देर बाद भी ना मुझे पायलट आंटी ने चलते सत्संग में आवाज लगाई, अशो आंटी इधर आओ। हाँ जी। कहते आज गोभी बनाई है? मैंने कहा हाँ जी। कहते ज्यादा गल गई है गुरुजी कह रहे। मैं मुझे तो पता था कि गुरुजी की गोभी ज्यादा गल गई हुई है आज। तो कहते चटनी आंटी चटनी प्रसाद बनाना ही भूल गई है। मैं कहा हाँ वाकई में चटनी बनाना तो आज मैं भूल गई। तो और जब मैं वो लंगर की थाली उठाकर लेकर आई तो उसमें वो फॉइल खुला हुआ था। तो संगत जी जो मुझे मेरा बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सिर्फ ये बताना मैं चाहती हूँ कि जब हम बहुत अपने दिल से श्रद्धा से हम सत्संग करते हैं, गुरु जी आते हैं उसे भोग लगाते हैं, और जो लोग भी प्रसाद खाते हैं वो पूरा दिल से उसको ग्रहण करें पूरा, क्योंकि वो भी डिवाइन हो जाता है और उसमें हम सबका ही कल्याण है। और मेरी एक थोड़ी सी नॉटीनेस है या कह
कैसी आदत में बोलूं, अच्छी है खराब है मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते होंगे कि मैं गुरुजी को बहुत परेशान करती हूँ जब सत्संग होता है कि गुरुजी आपने आना है और अपनी प्रेजेंस बतानी है कि मुझे पता चले आप आए हो। ऐसे नहीं, गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि आप आए थे। तो ये होता था कि जब भी संगत आती थी तो वो मुझे आते ही बोलती थी, आंटी नीचे से फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी तो आ गए, गुरुजी तो आए हुए। तो तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि जब हम उसी ऑरा में रहते हैं तो फ्रेग्रेंस भी कई बार हम नहीं महसूस कर पाते, तो मेरे को ये तसल्ली हो जाती थी। एक बार किसी ने कुछ नहीं बोला कि फ्रेग्रेंस आई, और जैसे गुरुजी के चोला जो हम लगाते हैं उस पर सलवटे पड़ जाती हैं, कुछ ऐसा भी उस दिन मैंने महसूस नहीं किया। तो मैं बार बार गुरुजी से क्वेश्चन, मतलब ये सारी कन्वर्सेशन मेरे मन में चल रही है, किसी को नहीं पता, तो मैं ये गुरुजी से कन्वर्सेशन करती थी कि गुरुजी आप आए थे सत्संग में, आप आए थे, मुझे पता नहीं चला, कोई भी आपका इंडिकेशन नहीं मिला मुझे, सच्ची आप आए थे गुरुजी। तो 3-4 दिन बाद ये, जैसे सैटरडे को सत्संग हुआ, बुधवार को एक आंटी जो हमारे अपार्टमेंट में रहती है वो मुझे मिली, तो कहते आशु 3-4 दिन पहले तेरे यहाँ सत्संग था। मैंने कहा हाँ आंटी सॉरी मैं आपको बुलाना भूल गई। तो कहते क्योंकि मैं जब यहां से निकली ना तो खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है। गुरुजी थैंक यू वेरी मच कि कैसे कैसे आप जवाब देते हो, कमाल है, थैंक यू वेरी मच गुरुजी कि गुरुजी ने बता दिया कि मैं आया था। मतलब वो आंटी जो नहीं भी आई थी, जिनको मैं वाकई उस दिन बुलाना भूल गई थी, और वो है क्या बोले हम 2000 हाँ अच्छा हाँ, जो एक मैंने अभी आपको वो सुनाया कि वैलेंटाइन्स डे पे जो मुझे येलो चोले वाला स्वरूप मिला था, उसका वही मेरे मंदिर में जो मेन स्वरूप लगा हुआ है, और उसी रूप में गुरुजी विराजमान है मंदिर में, लेकिन गुरुजी ने अपने चोले का रंग बदल लिया, येलो चोले में आए थे, अब पिंक चोला हो गया है, वो पिंक चोले में बैठे हैं, पूरा पिंक हुआ हुआ है। और ये बहुत लोगों ने इस चीज को विटनेस भी किया है। तो क्या बोले, ये गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की कृपा, वही जाने। और गुरुजी 2014 जो मेरे अंकल के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल रहा, 17 मार्च की होली थी, और 17 मार्च को जब हम और मंडे का दिन था, हम लोग गुरुजी के दर्शनों को गए, तो जब मैं गुरुजी के प्रणाम किया तो मैंने देखा आज गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों लग रहा है कि गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे, तो मैं बहुत अपसेट सी हो गई। तो उसके बाद में खैर मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, और कुछ देर बाद जब मतलब वो करके प्रसाद लेके हमने वापसी की आज्ञा मांगी, तब जब मैंने प्रणाम किया गुरुजी को तो भी मैंने देखा कि गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। बड़े मैं अपसेट हुई और पता नहीं आज गुरुजी क्यों नहीं स्माइल कर रहे। और उसका प्रूफ मुझे रास्ते में मिल गया। रास्ते में ही अंकल ने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उस दिन हम लोगों को सत्संग भी जाना था शाम को, तो मैंने कहा तो फिर आज आप सत्संग, कहते नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द है मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उनका ये सत्संग मैं अपने पुराने सत्संग में कर चुकी हूँ कि उनको एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम, अजीब सा क्या मतलब बहुत रेयर प्रॉब्लम है वो, स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। तो ये उनको प्रॉब्लम हुआ था जिसमें अपरेंटली देखने में उनकी बॉडी पर जो ब्लड वेसल से ब्लड ऊज आउट होके उनकी स्किन के ऊपर ऐसे आ गया था जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो और ब्लड पूरा का पूरा आपके बॉडी के ऊपर में हो। तो और पूरी बॉडी इस तरीके से उनकी हो गई थी जैसे पैरालाइज्ड, ना वो हिल पाते थे, ना डुल पाते थे, ना हाथ हिला पाते थे, मोबाइल भी नहीं पकड़ पाना, चल नहीं पाना, कुछ भी उनके लिए करना इम्पॉसिबल हो गया था। और ये मेरा अटूट विश्वास था कि जो ये सारी हुआ है ये गुरुजी कोई हमारे कर्म काट रहे हैं, इनके कोई कर्म काट रहे हैं। देखिए कुछ भी प्रारब्ध होता है तो हमारे को पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी है, अगर गुरुजी ने हमें इतने
कृपाएं करी हैं, तो ये जो भी है ये भी हमारे ऊपर में उनकी कृपा कोई वजह ही होगी जो उन्होंने अगर हमें ये प्रॉब्लम दी है। तो वही हुआ, मैं बस यही प्रार्थना करती थी गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपने ये दिया है, आप इनके कोई कर्म काट रहे हो, बस मुझे ये देखने की सहने की शक्ति दे दो, क्योंकि बीइंग अ वाइफ मेरे से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है इनको देख के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में। और हुआ क्या था, सिर्फ एक पेन किलर रिएक्ट कर गया था, एक सिर्फ मेरा पेन किलर इतना जबरदस्त रिएक्शन कि ये महीनों बीमार रहे, बहुत एक्सपेंसिव इनका वो चला, लेकिन गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा हमारा। इनके साथ गुरुजी तब तक रहे जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो गए। मतलब गुरुजी तो अभी भी हमारे अंगसंग ही है, लेकिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। जब मैं पहले इनका इलाज डॉक्टर्स उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए इनकी प्रॉब्लम को, तो मैं तब मैं बोलती थी गुरुजी कोई इंडिकेशन दे दो इनका इलाज सही हो रहा है, ये हॉस्पिटलाइज थे तो, लेकिन सब कुछ होता रहा, संगत आती रही, प्रसाद खिलाती रही, लेकिन वो सब कुछ भी इंडिकेशन मुझे गुरुजी की तरफ से नहीं आया। लेकिन जब हम इनको फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए नवीन अंकल और विजय अंकल के साथ में, तो वहां पर गुरुजी साथ में, क्योंकि इतनी इंटेंस फ्रेग्रेंस गुरुजी की, और उसके बाद में दो दिन बाद जब बैरी अंकल और ढींगरा अंकल, संगत ही थी, ये हमारा परिवार संगत ही थी, और वो जब लेकर गए तो भी गुरुजी पूरा टाइम इनके साथ साथ रहे, और वहां पर मुझे दिखा दिया कि हुन ए डॉक्टर सही है, हुन इलाज सही हो रहा। तो उसके बाद फिर ये ठीक होने लगे, लेकिन 2014 आते आते भी एक इनको मंदिर में ही वहां पर उस टाइम डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था, इवन जो ये मेडिकल लाइन से नवीन अंकल विजय अंकल है उन्होंने भी बोल दिया था कि अंकल अब भूल जाओ कि 2 साल अपनी सेवा पर जा पाएंगे, बहुत वीकनेस आ जाएगी क्योंकि इम्यूनिटी लो की जा रही है, तो इनका वो नहीं है। लेकिन अगर हमारी गुरुजी की मर्जी हो तो कुछ भी पॉसिबल है। गुरुजी ने पूरे 6 महीने बाद इनको वापस अपनी सेवा में भेज दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और उसी सेवा के दौरान 7 दिसंबर 2014 इनको चेस्ट पेन हुआ, और इतना ज्यादा ऐसे लगा था कि हार्ट अटैक हुआ है। तो फिर हम फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज वहां लेकर गए, लेकिन वो शायद गैस्ट्रिक पेन था या कुछ और था, लेकिन एक बार आप हॉस्पिटल वालों के पल्ले पड़ जाओ तो वो छोड़ते नहीं है आसानी से। लेकिन आप ये देखो कि गुरुजी की मेहर कृपा देखो कि वो ICCU में जब ये एडमिट थे तो वहां का डॉक्टर, और उस टाइम मुझे उन्होंने जाने को नहीं बोला, मैं पूरा टाइम काफी टाइम रात के 2-2:30 बजे तक अंकल के साथ थी, और वहां पर डॉक्टर ने वो बोल दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको ये ना जाने नहीं देंगे, सुबह छुट्टी नहीं करेंगे, आप छुट्टी लेके चले जाना। और उस टाइम उस डॉक्टर के थ्रू गुरुजी बोले, और वही डॉक्टर सुबह पलट गया कि नहीं जी आपको तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको तो देंगे नहीं। लेकिन उस टाइम नवीन अंकल, उनके साथ मैं पूरे टच में थी, उनको मैं पूरी रिपोर्ट्स उनको मैंने बताई, और उन्होंने मुझे बोला ये आपको छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन तुम लेके आ जाना, ये तुम्हारी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करवा के ही छोड़ेंगे, जब तक ये 2.5-3 लाख का बिल नहीं बना देंगे आपको ये छोड़ेंगे नहीं। और एग्जैक्टली वही हुआ, और हम लेकिन गुरुजी ने पहले उस डॉक्टर के थ्रू बुलवा दिया था और फिर नवीन अंकल के थ्रू बुलवा दिया, और हम लोग सुबह छुट्टी लेकर आ गए, तो कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद भी, गुरुजी की कृपा है। और एक बड़ा गुरुजी की मेहर का एक और बताते हैं, हम लोग मंदिर से निकले 12 बजे के बाद की बात है, तो अंकल जैसे ही अपने डिक्की खोली तो एकदम से एक बॉटल आकर उनकी डिक्की में गिरी, अगर वो ऊपर होती तो दिखाई देती, और रात के 12 बजे कहीं से तो कुछ ऐसे कोई फेंकने वाला नहीं, सील बंद बॉटल, और उसका वो जो ब्रांड है वो कहीं पर आज तक हमने नहीं देखा, वो अलग सी बॉटल, और उस पर जैसा डिजाइन है वो पूरा शिव परिवार है उस पर, उस बॉटल के ऊपर। और जब भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है या कुछ भी है तो वो गुरुजी का डिवाइन अमृत समझकर हम लोग लेते हैं और हम क्योर हो जाते हैं। तो
और उसका नाम भी डेजा ब्लू है। इस तरीके का ब्रांड हमने आज तक हमने तो नहीं देखा, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा हमें वो डिवाइन अमृत दिया हमारे लिए, क्योंकि हमें मंदिर में मिला तो हमारे लिए तो वो अमृत अमृत से भी बड़ा अमृत है। और बहुत बहुत ज्यादा सत्संग है तो जो कई बार तो हम रियलाइज भी नहीं कर पाते जो हमारे को हमारे साथ में होते हैं। मैं 2017 में कनाडा गई थी और बेटे के पास, मतलब मैं और अंकल, तो वहां पर क्या हुआ कि एक मेरी नीस अनु वो भी वहीं पर ही रहती है कनाडा में ही, तो वहां पर मैं गई, वहां पर मुझे एक उसका चाट मसाला बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोला, मैंने कहा ये वाला चाट मसाला मुझे भी लेना है, तो उसने मेरे को लेके दिया। और वो जो हमारा केबिन बैग होता है मैंने उसकी आउटर पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद में हम एक दो स्टेशंस मूव किए, मतलब बायर इधर से उधर गए, लेकिन हमारे को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हम बेटे की सिटी से, तब वो सैस्कटून में था, तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे तो उसके बाद में हमने टोरंटो आना था और टोरंटो से हमने फिर इंडिया वापस आना था, तो टोरंटो भी हमने फिर 15 दिन रहना था दोबारा से। तो जब हम आ रहे थे तो सैस्कटून में उसके बहुत फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल फैमिली की तरह है, तो उनके साथ में हमारी फाइनल बाय बाय हो रही थी, तो अंकल थोड़ा सा आगे चले गए सिक्योरिटी चेकअप में और हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, मैं और मेरा छोटा बेटा ऋषभ। तो उसके बाद में उन्होंने जब वो सिक्योरिटी चेक में गया तो वो मसाले जो है वो केबिन बैग के आउटर पॉकेट में ही थे, क्योंकि मैंने देखा था कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर लेकिन उन्होंने निकाला और एकदम से बोले, व्हाट आर दीज ड्रग्स? तो अंकल तो इतना डर गए, तो ही से नो 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 दीज आर किचन मसालास, किचन मसाला। तो इतना घबरा गए कि क्या हुआ, तो उन्होंने लेकिन उसको वो दोनों पैकेट्स निकाल के गार्बेज कर दिए, उस टाइम सामने सामने गार्बेज कर दिए। उसके बाद में वो अपना सिक्योरिटी चेक करवा के ऊपर चले गए एयरपोर्ट की तरफ, और जब मैं और मेरा छोटा बेटा वहां पर आए तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा नाराज होके बोला, तुम कुछ भी डाल देती हो बैग में, कहीं भी रख देती हो, तुम्हें पता नहीं चलता, वो जो तुमने चाट मसाला लिया था वो तुम्हारा गार्बेज हो गया। तो जैसे हमारी आदत है कि हम सारा कुछ गुरुजी के साथ शेयर करते हैं, तो मैंने बोला, गुरुजी मेरे इतने डॉलर वेस्ट हो गए, मैंने इतने प्यार से लिया था। तो अब उसके बाद में ये कह के ये बात मैं भूल गई, हम टोरंटो पहुंच गए, और टोरंटो से जब हमें इंडिया 15 दिनों बाद में वापस आना था, तो मैं जब फाइनल करने लगी पैकिंग, तो वो मेरे ब्लू कलर के केबिन बैग में था, एक हमारा केबिन बैग ब्लू कलर का था और एक मेरा मरून कलर का था, मतलब मेरा और अंकल का। उसके बाद मैंने रखा ब्लू में था, ब्लू से ही वो गार्बेज हुआ था, और जब मैंने अपना मरून कलर का बैग खोला उसमें पैकिंग करने के लिए, तो उसकी वही आउटर पॉकेट में जिसमें मैंने मसाले रखे हुए थे, मैं हाथ डाला तो देखा वो चाट मसाले वहां। अब बताओ ये गुरुजी की कृपा नहीं है तो क्या है, मतलब जो सामने सामने हमारे गार्बेज हो गए थे वो दूसरे कलर के केबिन बैग में, वो मसाले कहाँ से आ गए? तो वो मेरे लिए डिवाइन प्रसाद, वो बहुत सारी संगत को भी खिलाया, और वो है, मैं उसको बहुत रेयर यूज करती हूँ कि दिस इज माय डिवाइन चाट मसाला। तो गुरुजी की बहुत प्यारी प्यारी कृपाएं हैं। गुरुजी जब हमारे मन में कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे कई बार सत्संग करते हुए कि ये कहाँ करना है वो कहाँ करना है, तो गुरुजी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गुरुजी उसका जवाब भी कितने प्यार से दे देते हैं। क्या हुआ था कि जब मेरे ये सत्संग था, और उसमें ये पहले सत्संग की है मैं आपको बात बता रही हूँ जो 2009 में हुआ था मेरा, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरी हमारी संगत वाली फ्रेंड एक शुदक्षिणा, वो हमारे घर के पास ही रहती है, तो वो और मैं मिलकर पूरा दरबार सेट कर रहे थे। सुबह सत्संग था तो वो थोड़ी सी सेटिंग हम रात को कर रहे थे, तो उसके और मेरे बीच में ये हो गया कि वो बोलती थी कि गुरु जी की गद्दी के ये इस साइड लेफ्ट राइट साइड पर जो उनका खाने का टेबल लगाना है
जिस पर लंगर प्रसाद रखेंगे वो राइट साइड होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड से तो खाएंगे। तो मेरे को लगा कि नहीं, सेटिंग के हिसाब से लेफ्ट साइड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये हमारे बीच में हम सोच रहे हैं कि क्या करें। वो शी वॉज अपने वे में वो ठीक थी, और मैं अपने हिसाब से कि मुझे सुंदर यहाँ एप्रोप्रिएट ये यहाँ लग रहा है। तो तब उसी ने बहुत सुंदर ओम और एक ओंकार बनाए थे, और वो 22 फुट दूर एक खाने में रखे हुए थे। 10 दिसंबर की रात पूरा हर तरफ से बंद, और वहां पर कोई विंडो नहीं खुली, कोई वो नहीं, पूरा क्लोज हमारा ड्राइंग रूम। वो ओम और एक ओंकार जोर से उड़ते हुए आए, और लेफ्ट साइड पर कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी वहां पर बंदा नहीं, कोई मानी कहां से वो ऐसे हुआ, और लेफ्ट साइड में। तो वो गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि इसी तरफ टेबल लगाओ। तो हम मतलब क्या क्या कैसे कैसे शुक्राना करें गुरुजी का, कि अगर हमारे को कोई भी कंफ्यूजन होता है या कुछ भी होता है तो कैसे गुरुजी जवाब दे देते हैं, तो वो मैं बता ही नहीं सकती। हाँ, इसमें एक और है कि जो हमारे मन में भी चलता है ना, तो सब जानते होते हैं गुरुजी। एक बार एम्पायर स्टेट में हम लोग बैठे हुए थे और अर्थक्वेक आया। पता नहीं क्यों मुझे अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं बहुत पैनिकी हो जाती हूँ जब भी अर्थक्वेक आता है। लेकिन उस दिन जब अर्थक्वेक आया तो हम वहां पर एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो मैंने मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और मेरे मन में जो उस वक्त में विचार आया वो यही था कि गुरुजी अगर इस वक्त मौत हो गई तो कितनी सुंदर मौत होगी ना आपके चरणों में, काश ऐसी मौत हमें मिल जाए। तो ये उस वक्त में मेरे मन में एक ख्याल आया, और मैं मतलब वो होता था कि आंखें कई बार बंद होती थी, और कई बार हम गुरुजी को भी निहार रहे होते थे खोल के, तो गुरुजी स्माइल और उन्होंने अपना एक चरण नीचे रखा और अर्थक्वेक एकदम शांत। कभी भी और कोई उसके बाद में कुछ नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं ये मेरा मन हुआ कि मैं आज आपसे ये शेयर करूं। और क्या क्या आपको सुनाऊं, बहुत बहुत हाँ, मैं आपको एक अपनी मम्मी का सुनाती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं हमारे, तो कितने तो ऐसे उनकी कृपाएं होती हैं कि जो हम महसूस भी नहीं कर पाते जो वो हमारे ऊपर में करते हैं। मेरी मम्मी नाउ शी इज 90 प्लस है, तो वो गुरुजी से बहुत प्यार करती है, और बस उनको ये होता है कि आज भी वो यही बोलती है कि मुझे मंदिर ले जाओ, मंदिर ले जाओ। मैं अभी उनको मना करती हूँ कि अभी मम्मी आपके लिए ई पास नहीं मिल पाएगा, तो अभी आपको गुरुजी बोलते हैं, आपको घर बैठे ब्लेसिंग्स है। और उनका गुरुजी के साथ में वो कनेक्शन है कि जैसे वो मैजिक की मिल जाती है ना, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने बचपन से देखा कि वो बहुत फॉरगेटेबल है, वो चीजें रख के भूल जाती है। तो अब और अब तो ये एज आ गई है कि वो बहुत ही ज्यादा भूलने लग गई है। तो लेकिन उनको क्या है कि कोई चीज नहीं मिल रही होती ना, तो गुरुजी को बोलती है, गुरुजी मैनू आ नहीं लभ रहा, मैनू आ नहीं लभ रहा। तो गुरुजी उनको टेलीपैथिकली बताते हैं, इधर देख, ऐस सूच देख, इधर पे तेरे पैसे, इधर पे तेरा चश्मा। ये उनका कनेक्शन है कि वो करते। और मेरा जो छोटा ब्रदर है वो पहले वो फर्स्ट फ्लोर पर, और बड़ा ब्रदर मेरा ग्राउंड फ्लोर पर। तो लेकिन उसको अपने बिजनेस की वजह से वो शिफ्ट हो गया दुबई, तो 10 साल तक वो और उसकी पूरी फैमिली दुबई थी। तो मेरी मम्मी बड़ा ब्रदर मेरे को उनको मम्मी को बोलता था कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो लेकिन मम्मी बोलती थी नहीं, मैं ऊपर ही कंफर्टेबल हूँ, मैं यही रहूंगी, मेरे को यहीं पर ही अपने घर वाली फीलिंग आती है। और हमारा घर वो इतना बड़ा है गुरुजी की कृपा से कि अगर कुछ भी हो जाए, और आप सोच सकते हैं कि इस एज में आवाज कितनी फ्रेजाइल हो जाती है, तो उनकी कोई भी अगर कोई भी गॉड फॉरबिड अगर औखी घड़ी आए तो वो आवाज भी नहीं देंगी, तो नीचे भाई तक नहीं पहुंच सकती थी, आज भी नहीं पहुंच सकती है। तो क्या हुआ, ये 2016 की बात है या 15 की बात है, मैं अपने बेटे के पास बैंगलोर गई थी, अंकित के पास। उस वक्त वो यूएसए बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। तो वहां पर मैं सुबह उठ के नहा धो के पाठ कर रही थी, तो पाठ करते करते
मेरे को गुरुजी ने बोला अपनी माँ नु फोन कर ले, अपनी माँ नु फोन कर ले। मतलब दो तीन बार ऐसे वो बोल दिया कि मैं पाठ करना कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा था मेरे से, कि गुरुजी ने इतनी बार बोल दिया। तो मैंने उसी टाइम मैंने बेटे को बोला कि फोन लगा नानी को। तो बोला क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह नानी को फोन? मैंने कहा हाँ गुरुजी बोल रहे। तो जब मैंने फोन लगाया तो मम्मी ने बोला इतनी सुबह सुबह तूने कैसे फोन किया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे गुरुजी ने कहा आपको फोन करने को। तो मम्मी रोना शुरू हो गई। तो तब उन्होंने बताया कि रात को क्या हुआ था। मम्मा ने हम भाई का एक वो 29 इंचेस वाला भारी भरकम टीवी जो पुराने स्टाइल के होते वो खराब होके, अब वो क्योंकि दूसरे एलईडीज वगैरह लग गए थे तो वो लगा हुआ था, और वो वेस्ट वाला पुराना वाला वो एक उसके ऊपर में चेस्टर के ऊपर पड़ा हुआ था। तो मम्मा ने उसके ड्रॉर, उस चेस्टर का नीचे वाला ड्रॉर खोला तो वो उसका कुछ बैलेंस बिगड़ा, और वो 29 इंचेस का जो इतना भारी भरकम टीवी वो मम्मी के ऊपर, उनकी चेस्ट के ऊपर, और मम्मी जी, मम्मी मेरी सिर्फ गुरुजी ये कह के बेहोश हो गई। और जब उन्हें होश आया, घर में कोई नहीं, आपको मैं बता चुकी हूं, वो उसके साथ में एक सिंगल बेड पड़ा था, वो उसके सेंटर में पड़ा हुआ था वो टीवी, और मम्मी को ना उनकी रिब्स फ्रैक्चर हुई, कुछ नहीं हुआ, उनका सिर्फ जो पांव था वो फिसल के उसके उसमें आया था, उनके हल्का सा नील उनके टो में आया, कुछ भी नहीं हुआ उनको। हाँ बस वो थोड़ा सा वो है। और वो 6 महीने तक वो टीवी उल्टा उस बेड पर पड़ा रहा। मतलब ऐसी कृपा है गुरुजी की कि कैसे बचाते हैं, कि जैसे जो हम सुनते हैं ना कि गुरुजी एक अपने फौजियों के लिए और बुजुर्गों के लिए और टीचर्स की बात बहुत जल्दी पूरा करते हैं, तो कैसे बचाया गुरुजी ने। और ये एक बार, ये तो बहुत मेजर है, उससे पहले भी कभी मम्मी रिक्शा से गिरी है तो भी उन्हें बचाया है, तो भी उनका बिल्कुल वो पोल से हिट हो जाती है और उनका सिर फटना था, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी और वो गुरी और कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा नील पड़ा और वो ठीक होगी। आज भी वो बिल्कुल आती है, बड़े प्यार से वो माथा टेकती है और नीचे बैठती है, कोई चेयर पर नहीं, कुछ नहीं। इतनी कृपा है उनके ऊपर में गुरुजी की, और वो खुद से उठती है, वो कहती है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं दो, मैं खुद से उठूंगी। तो ऐसी कृपा है गुरुजी की। और मेरी सिस्टर, वो गुरुजी को बहुत मानती है, लेकिन कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाती। तो वो अब तो रिटायर हो गई, लेकिन जब वो टीचिंग में थी तो उनको शटिका पेन उठी बहुत ज्यादा। तो वो शटिका पेन, और उनको बीइंग अ टीचर उनको सारा दिन खड़े रहना पड़ता था, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सारे इलाज करा लिए जिया जी मेरे डॉक्टर, लेकिन कुछ भी उनका क्योर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने दीदी को बोला एक दिन कि ना, मैंने कहा दीदी ऐसा कर, मंदिर स्कूल से छुट्टी कर, मंदिर जाते तो हम ना तेरे को लोटा ब्लेस करवा के आते। तो कहती है फिर उससे क्या होगा? मैंने कहा ऐसा ऐसा, जब गुरुजी लोटा ब्लेस कर देते तो उसका जल प्रसाद पीने से सब ठीक हो जाता है। तो कहती अच्छा, कह के उसने बस ये बोल दिया। और मंदिर तो वो नहीं गई, उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे एक छोटा सा मिट्टी का ही मटका वो रखा। उसके बाद में बोला कि गुरुजी आपको तो पता है कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे पास आ सकते हो ना। तो मेरी बहन बोलती है आप इसको ब्लेस कर देते हो पानी को तो अमृत हो जाता है, तो आप इसको यही ब्लेस कर दो ना, आपको तो पता है मेरी प्रॉब्लम्स, कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं क्यों नहीं आपके पास पहुंचा आ पाती। तो ऐसी कृपा। और दीदी के घर में जो नियम है वो यही है कि सुबह सुबह 4 बजे वो लोग 3:30-4 बजे उठ जाते, तो दीदी ने उठ के सबसे पहले वो जल प्रसाद पीना, उसके बाद में कुछ और करना। तो आप ये देखिए, गुरुजी ने वो उसका इतने उससे ब्लेस किया कि दीदी की वो पेन पूरी खत्म हो गई जो उसके कमर तक आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती थी। तो ऐसी ऐसी गुरुजी कृपाएं करते हैं। और मैं आपको अपने ब्रदर का सुनाती हूँ। छोटा ब्रदर, वो भी गुरुजी के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। तो जब गुरुजी ने लीला कर ली थी
तो तब वो क्या बोलता था कि उसने मंदिर आना छोड़ दिया। तो मैं उसको बोलती थी, अरुण तू जाता क्यों नहीं मंदिर, तू जाता क्यों नहीं मंदिर, तो गुरुजी हैं, तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि नहीं है। तो वो कहता था अच्छा अच्छा चलेंगे चलेंगे। वो करते करते उसने काफी टाइम निकाल दिया, मतलब करीब करीब पौना एक साल निकाल दिया। उसके बाद में जब वो आया तो मेरे कहने से वो मंदिर गया, तो मन में एक क्वेश्चन लेके गया कि गुरुजी मेरी बहन बोलती है आप हो, अगर आप हो तो मुझे आज कोई भी चीज डबल मिल जाए। तो ये चीज वो अपने मन में ये गुरुजी के साथ में इक्वेशन सेट करके वो मंदिर गया। वहां पर जब थाली आई, चार की थाली, पहले यहां आपको याद होगा कि लड्डू आया करते थे, लड्डू प्रसाद मिला करते थे, तो उस दिन चार की थाली में 4.5 लड्डू थे, मतलब एक वो और एक थोड़ा सा टूटा हुआ लड्डू, 4.25 कह लें आप। तो वो जनरली जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज आती है तो वो चार लोग आपस में बांट लेते हैं कि ये हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसको सबने बोला नहीं नहीं अंकल ये आप खा लो, ये आप खा लो। तो वो जो थोड़ा सा टूटा हुआ लड्डू था वो उसको मिल गया। तो वो मन में खुश हुआ कि गुरुजी मुझे मिल गया कोई चीज डबल। अब उस दिन जब वो लंगर हॉल से जब वो बाहर निकल रहा था तो वहां पर उसको चाय प्रसाद दोबारा मिल गई, चाय प्रसाद भी डबल। उसके बाद मैं उस टाइम सेवा में थी तो उसको हमारी वेट करनी पड़ी। और तब क्या होता था कि जो भी लंगर प्रसाद बढ़ जाता था वो जो भी उस टाइम बैठे होते थे मंदिर में सबको बढ़ जाता था, तो उसको वो लंगर प्रसाद भी पैक हुआ मिला। तो सारी चीजें उस दिन उसको गुरुजी ने डबल दी। तो उसने फिर वो चीज हमें वापसी पे सुनाई कि मैं आज गुरु से ये क्वेश्चन कर आया था कि गुरुजी मुझे आज कोई भी चीज डबल मिल जाए, गुरुजी ने एक नहीं मुझे सारी चीजें डबल दी है, लंगर भी डबल, मीठा भी डबल, चाय प्रसाद भी डबल। तो ये है हमारे गुरुजी की जितनी भी उनकी उनका बखान किए जाए वो कम है। हाँ गुरुजी जो भी हमारे मन में प्रश्न रहता है वो गुरुजी उसका आंसर जरूर देते। तो क्या था कि मेरे को हमेशा ये चीज मेरे मन में रहती थी कि हमारे तो ऐसे कर्म नहीं थे कि हमारे को ईश्वर मिल जाता, हमारे को ऐसे गुरुजी मिले साक्षात महाशिव। हमारे तो ऐसे तो मुझे लगता ही नहीं है कि हमने कभी कोई कर्म भी करे होंगे कि हमारे को महाशिव के दर्शन, उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, उनका उनका उनकी बॉडी को टच कर पाना, ये स्पर्श, मतलब कितने हैं हमारे अहोभाग्य। मेरे को हमेशा मेरे में होता था कि ऐसा नहीं है। तो मैं कह ये मेरे हमेशा मुझे ये लगता था कि मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं जिनकी वजह से हम गुरुजी के पास पहुंचे, हमें गुरुजी मिले। मेरे मन में ये चीज हमेशा चलती थी और इस बात को कोई भी नहीं जानता कि ये चीज मेरे दिल में चलती थी। तो मैं ये चलता था कि मेरे को सिर्फ मेरे फादर की है, क्योंकि वो बहुत ही प्योर सोल थे। सबको अपने फादर अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे फादर एक्चुअली में बिल्कुल गुरुजी की एबीसी उस वक्त में फॉलो करते थे जबकि उनकी जो डेथ है वो 87 में हो गई थी। तो उसके बाद में लेकिन मेरे को गुरुजी ने दिखाया, एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए और कि मैं दरबार की वो जो हमारी 5 सीढ़ियां हैं सॉरी मैं वो चढ़ी हूँ। और मैं जब चढ़ी हूँ तो मैंने देखा कि गुरुजी उस बाउंड्री के साथ में ऐसे टेक लगाए खड़े हुए हैं। और मैं बोलूं मैंने कहा अरे गुरुजी आप यहाँ, और कह के मैंने उनको चरण वंदना करी। तो उन्होंने मुझे बोला तेरे पापा भी मेरे नाल ही खड़े हैं और तेनू नमस्ते कह रहे हैं। तो मेरे पापा नमस्ते ही बोलते थे लेकिन मेरे पापा सोल, तो मुझे मेरे पापा नहीं दिखे लेकिन गुरुजी ने ये बात बोली। मतलब जो चीज मेरे मन में वो होती, तो मेरे मन में उस वक्त यही आया कि मेरे पापा का रीबर्थ नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरे पापा गुरुजी के पास ही हैं। मैं उस टाइम ड्रीम में भी ये बोला, मैंने कहा गुरुजी अब इनको नीचे मत भेजना, अपने पास ही रखना, कभी भी इनको बर्थ मत देना, अपने चरणों में ही रखना। और मेरे को गुरुजी के थ्रू मेरे पापा के कई बार मैसेजेस आते हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, वो जब वक्त आएगा तब मैं करूंगी। तो
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पास तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं। हाँ, एक और मैं लास्ट में एक और सुना देती हूँ। बंगला साहब गुरुद्वारे में गई, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये सत्संग है। वहां पर जब मैंने प्रणाम किया तो प्रणाम बाबा जी को होकिंग सिर्फ गुरुजी के लिए होता है, और मैंने बोला, मैंने कहा बंगला साहब से मेरा बचपन से कनेक्शन है, खैर तो हम बिल्कुल वहीं रहते थे और बहुत जाते आते थे हम बंगला साहब गुरुद्वारे तो वहां पर, लेकिन अब जब जाते हैं तो गुरुजी को ही प्रणाम होता है। तो वहां पर जब मैं गई तो मैंने कहा गुरुजी ये जगह मेरे लिए और भी ज्यादा डिवाइन, क्योंकि आपके चरण पड़े हैं यहाँ पर। तो मतलब गुरुजी को ही बोलकर मेरा प्रणाम हुआ, और मैंने कहा बस गुरुजी जितनी देर भी है तो आप अपने वाला शब्द सुना देना। तो उस वक्त में रागी कुछ और गा रहे थे, और उसके बाद में एकदम से उन्होंने गाना स्टार्ट, अपना जो दूसरा शब्द जो स्टार्ट किया वो ये था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी इंटेंस, मैं निहाल हो गई और मतलब मेरे नीर बहते जाए मैं रुके नहीं, कि मैं इतनी निहाल हो जा रही थी कि गुरुजी आप भी यहाँ पर। और उसके बाद में जो मेरे साथ में और लोग गए हुए थे उनका छोटा बेबी था, तो अब वो छोटा बेबी की वजह से वो इरिटेट हो रहे थे कि चलो चलो चलो, वो नहीं बैठना चाह रहे थे। तो अब मेरे को ये था कि गुरुजी यहाँ पर है, मैं मतलब मेरे पास है, मैं उनको छोड़ के मैं कैसे चली जाऊं। लेकिन मैंने उनको बहुत देर तक रोका, लेकिन जब वो नहीं रुके तो मतलब जब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए तो फिर मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी कि गुरुजी आप आए हो, मुझे यहाँ पर ब्लेस कर रहे हो, इतनी आपकी फ्रेग्रेंस आ रही है, मेरे को हिलने को मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे मजबूरी होके जाना पड़ रहा है, मजबूर होके। तो जहां पर बाबा जी का रूम है वहां पर भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, और इमेजिन जब मैं बाहर निकली तब कड़ा प्रसाद बाहर ही वहां पर मिला करता था, अब तो एक अलग सी जगह बन गई है ना जहां पर मिलता है कड़ा प्रसाद, लेकिन तब वहां पर थाल लेकर वो खड़े होते थे। और वहां पर इमेजिन गुरुद्वारे के अंदर वो अंकल ने जब मुझे प्रसाद दिया बोलते जय गुरु जी आंटी, द वे ही स्पोक टू मी, जय गुरुजी आंटी, जिस तरीके से गुरुजी बोला करते थे, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं ऐसे देखते रह गया। तो क्या क्यों होया, मतलब दिस वाज सो अमेजिंग, ना मुझे वो अंकल भूलते हैं ना वो कड़ा प्रसाद देने वाले, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी, मेरे को ये सत्संग करते हुए गूज बम्स आ रहे हैं कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस और मेहर अपनी दिखाते हैं, मैं बता ही नहीं सकती। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, कोई भी भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी, आपके चरणों में अनंत अनंत शुक्राना।